हेलो बेला, कैसी हो? ठीक हो? तो गाइस यहाँ पे देखें, एक फिशर का पैर वहाँ से आया, ये उस मास्टर के से आया मेरे ख्याल से। ये देखें, इधर जो सुराख है ना, इस तरफ इधर से जो है ना, ये इधर आ गया। इसे मैं पकड़ता हूँ अब। ये एक मैंने पकड़ ली है, बड़ी आराम से पकड़ा गया, और दूसरा वो बैठा हुआ टैंकी पे। तेरी सबर 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 सबर। तो गाइस मैंने दोनों पकड़ लिए हैं, इसमें छोड़ के आता हूँ अपने मास्टर केज में। हैरानगी की बात है, एक इतने छोटे से स्टॉक से निकल आए हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो गाइस अभी मास्टर केज का पर्दा भी ऊपर नहीं किया, तो माशाल्लाह से धूप देखें कितनी ज़बरदस्त निकली हुई है। अपने मास्टर केज का पर्दा भी ऊपर करता हूँ, अपने लवबर्स को भी इसके अंदर छोड़ता हूँ। ये देखें कितना बेताब हो रहे हैं सारे, किस तरह बेताब हो रहे हैं। एक मिनट सब्र करो यार, सब्र करो। मैं दाना भी डालता हूँ इसको, मैं सही तरह से पकड़ूँ, ओपन जगह पे मैं हूँ, तो ये ना ये उड़ जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं दाना ही देता हूँ फिर इन्हें अंदर छोड़ता हूँ। तो अब सारे दाना खा रहे हैं मज़े से साइड पे हो। अंदर तो काफ़ी गर्माइश हुई हुई है। ये देखें इधर हमारे लवबर्स नहीं है ना, वो इस तरफ से जो है ना, इस खिड़की से, इस जगह से दूसरी तरफ चले गए हैं। क्या बात है जी, इन्हें बंद अच्छी तरह करना चाहिए, ये ना फिशर बीच में फंस ही जाए, कोई मसला बने के। अपने लवबर्स को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ अब, चलो अभी आ जाओ आजो आजो। ये देखें ये वाला पीस है एक, और दूसरा पीस है ग्रीन। ये एक उधर चला गया और एक इधर गया, एक किधर चला गया, ये बैठा हुआ है इस तरफ, और बाकी सब दाना खा रहे हैं। इनका पानी भी ख़त्म हो गया, ये देखें बिल्कुल ड्राई कर दिया उन्होंने पानी। तो मैं पानी भी इन्हें देता हूँ, बेचारे कब के इधर घूम रहे हैं, दाना पानी पता नहीं उन्होंने खाया कि नहीं खाया। और अंडा वगैरह भी कोई नहीं मुर्गी का आया हुआ हमारे पास। इस तरफ चेक करते हैं, कोई नहीं जी यहाँ पे नहीं है। चलो मास्टर केयर का पर्दा भी ऊपर करता हूँ, इन सबको जो है ना पानी भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से। तो गाइस आज तो पता नहीं कैसे हमारे मास्टर केज से बर्ड निकल गया ना, उस तरफ चले गए जहाँ पे बैला को मैंने रखा होता है, यानी कि वो ममटी है सीढ़ियों वाली जगह जो होती है, तो उस जगह पर चले गए। तो शुक्र है वो दरवाज़ा बंद था, वरना हमारे वो लव बर्ड्स जो है ना वो उड़ जाते। इतना प्यारा पेड़ है ये, तो मुझे बहुत दुख होता। तो माशाल्लाह से मैंने पकड़ लिए हैं और दोबारा से मास्टर केज में छोड़ दिए उन्हें, तो वो अब दाना वगैरह खा रहे हैं उस तरफ बैठे हैं वो। देखें ये पानी अपने डकलिंग्स को देते हैं जाके। वेट 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 डकलिंग्स, वेट वेट वेट। सुबह सुबह का पानी इन्हें पी के बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ बच्चों। इतने ज़्यादा बर्तन आपके पास हो गए हैं, कुछ मैं निकाल लेता हूँ बर्तन। देखें दो बर्तन एक्स्ट्रा पड़े हैं इनके पास। पानी के दुश्मन है ये तो, पानी के दुश्मन है। चलो अंदर चलो भाई, अंदर चलो। शाबाश शाबाश। और इन्हें दाना देते हैं ये वाला। चलो हमारे अब नौ डकलिंग्स रह गए हैं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और बैला को भी खुराक देते हैं, ठीक है बैला? अभी बाहर नहीं निकालना बैला को, थोड़ी देर बाद मैं निकालूंगा, इसकी केज की सफाई भी करेंगे। ये फीड है जी लवबर्स, ये बॉक्स देख के ना इधर से इधर आ गए थे।
अच्छा बेला को भी खुराक दे दी है। ठीक है बेला खाना खा लो, बाद में तुम्हें खोल दूंगा। ओके तो गाइस ये सब भी अब दाना खा रहे हैं, दाना पानी पी रहे हैं और खा रहे हैं, और यहाँ पे भी दाना पानी पी रहे हैं और खा रहे हैं। तो गाइस नीचे चलते हैं, नीचे वाले बर्ड्स की देखभाल करते हैं। थोड़ा सा उनका काम मैंने कर दिया था, थोड़ा सा रहता है। तो आज हमने अपनी लारा के अंडे भी चेक करने हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने अंडे उसके चेक ही नहीं किए, जब से उसने अंडे दिए मैंने चेक नहीं किया। मैंने कहा वो ख़राब ना कर देगी अंडे, तो अग्रेसिव है वो, डरती है काफ़ी ज़्यादा। तो अब जाके अंडे वगैरह उसके चेक करते हैं। तो 5 अंडे माशाल्लाह उसने दिए हैं, तो देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें सॉफ्ट फूड भी डाल दिया, पानी और दाना भी डाला हुआ है, और अब मैंने सिर्फ चेक करना है लारा के अंडे। और इस तरफ एक और पेड़ है मेरा, उसके बच्चे के बच्चे चेक करने हैं, क्योंकि कल इन्हें खुराक माँ बाप नहीं खिला रहे थे, तो मैंने खिलाई थी। तो आज माँ बाप ने खुराक खिलाई हुई है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही प्यारे कलर वाले आए हैं ये बच्चे, जैसे माँ बाप हैं उससे ज़्यादा प्यारे कलर के आए हैं ये बच्चे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर, पारब्लू इसे कहते हैं वैसे इनका नाम, यूविंग पारब्लू, यूविंग हो या सिंपल पारब्लू, आउटस्टैंडिंग कलर आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये वाले जो पारब्लू क्वालिटी है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। और सब बर्ड को मैं रिंग डाल देता हूँ। ये देखें अगर आपको नज़र आए कि मैं रिंग डाला हुआ है। चलें जी खुराक खिलाई हुई माँ बाप ने भी, और यहाँ पे तो सारे बड़े हो गए, वो भी पारब्लू ही हैं, उनके ही बहन भाई हैं जो कि पहले आए थे और बड़े हो गए। और एक पेड़ था इस तरफ, इनके 3 बच्चे आए थे, देखते हैं चौथा आया कि नहीं आया। अभी तक 3 ही हैं, ये अंडा शायद ख़राब हो गया, ये अंडा मैं निकाल देता हूँ, ये ख़राब ही लग रहा है, ये बीच में ही फिलहाल रहने देता हूँ। और ये माँ बाप भी सही बच्चों को खिला रहे हैं खाना ज़बरदस्त। इस तरह जब आपके पास ब्रीड आते हैं ना, बहुत खुशी होती है। चलें जी ये बॉक्स जाना काफ़ी गंदा हो गया, सफाई होने वाली है, दरवाज़ा ताकि बंद आराम से हो जाए। ठीक है जी इस तरफ जो है ना, इसके बच्चे पहले वाले भी इसके अंदर ही हैं, वो मैं निकाले नहीं हैं, और इनके नेक्स्ट बच्चे भी आ गए। ये देखें छोटा सा बच्चा, और बाकी 4 अंडे हैं, उनमें से बच्चे निकलाएंगे। ठीक हो गया, अब अपनी लारा के पास जाते हैं मेन, जिसके अंडे हमने चेक करने हैं। हाँ लारा 24 घंटे ये बाहर रहती है, और उसका मेल जो है ना वो बॉक्स के अंदर होता है। ये देखें 5 अंडे तो पड़े हुए हैं, कोई भी टूटा नहीं है, लेकिन अब चेक करना है इनमें से फर्टाइल कौन से हुए अंडे और कौन से नहीं हुए, तो वो भी मैं चेक करता हूँ। अंडे ये निकालता हूँ ज़रा तरीके से, क्योंकि लारा जो है हमारी वो मारती है बहुत ज़ोर से। तो पहले मैं इसे तरीके से अंडे निकाल लेता हूँ, ताकि जो ना कोई मसला ना हो, क्योंकि लारा ने अगर बाइट कर लें बहुत ज़ोर से मारती है ये। मैं अभी निकालता हूँ इसके अंडे। तो गाइस मैंने लारा के अंडे निकाल लिए हैं इस जाली की मदद से, ये इसके आगे रखे थे ताकि इसे पता ना चले। अंडे मैंने निकाले अभी ने, चेक करते हैं अंधेरे में जाके, ज़रा लाइट पकड़ लेता हूँ मैं, इस लाइट से हम चेक करेंगे। ये लाइट कैंडिंग लाइट, अंधेरे में जाएंगे फिर इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा क्या। ये देखते हैं आप, मेरे ख्याल से तो अंडे ख़राब लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह ये देखें बिल्कुल ख़राब, और ये वाला ये भी ख़राब। क्या वजह है यार, इतने ज़बरदस्त अंडे आए हैं, साइज़ भी ठीक है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, इन्हें अंदर जर्दी बनी है, बच्चा वगैरह नहीं बना हुआ। ओहो बहुत दुख हो रहा है यार मुझे तो, मुझे तो उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा कि सारे के सारे अंडे ख़राब हैं। अब ये मैं मुर्गियों को जाके डालूंगा यार। गाइस हमारे लारा के सारे ख़राब हैं, और मुझे यकीन नहीं था कि इस दफ़ा अंडे से ख़राब होंगे, क्योंकि साइज इसका ठीक था और उसका मेल जो बॉक्स में रहता था इनक्यूबेट अंडों को कर रहा था, लेकिन फिर भी अंडे ख़राब हैं, पता नहीं क्या वजह बनी है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है।
मैं थोड़ा सा लारा के छोटे छोटे बेबीज आएंगे, उन्हें टेम करेंगे तो हैंड फीड करवाएंगे, टेम करेंगे, बातें सिखाएंगे। तो हमारी लारा ने इस दफ़ा फिर धोखा दे दिया, अंडे इसके ख़राब निकले। ये अंडे मैं आपको तोड़ के भी चेक कराता हूँ, अंदर से कोई बच्चा वगैरह नहीं बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ सर्दियाँ हैं, अंडे फर्टाइल नहीं हुए, अफसोस। चले मुर्गियों को मैं डाल के आता हूँ। तो गाइस अंडे लेके मैं ऊपर आया हूँ कि अपनी मुर्गियों को अंडे खिलाऊं, और हमारे लवबर्ड्स फिर इधर आ गए। ये देखें, ये फिर इधर से आ गए यार, क्या इन्हें मसला है। ये देखें, तो कैचर भी मेरा केज में पड़ा हुआ, मैं कैचर लेके आता हूँ, तो इन्हें पकड़ता हूँ। डर ये भी है कि यहीं कहीं उड़ ना जाएंगे। सब्र करो, इन्हें जो ना उस तरफ कर देता ना, फिर चलो उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, उस तरफ। तो गाइस फिर से पकड़ के मैं ले आया हूँ फिशर लव बर्ड्स, और ये रास्ता जो है ये बंद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आ रही है, ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार उधर चले जाते हैं यार, इन्हें क्या मसला है से पता है, मैं परेशान हो गया हूँ। दो दफ़ा जा चुके हैं, और फिर इस तरह ये भाग भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, कोई मसला बन सकता है इनके साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इन्हें छोड़ता हूँ यहाँ पर, और वो रास्ता बंद कर दिया, जैसे ये निकलते हैं। चलो भी लव बर्ड, क्या यार आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। और कॉकटेल भी देख रहे हैं कि बार बार हमारे जो लव बर्ड्स हैं वो किधर चले जाते हैं। कुछ बर्ड्स हमारे बाहर आ गए हैं, तो बाकी को मैं बाहर लेके जाता हूँ अब। तो गाइस यहाँ पे मैंने जाली लगा दी है, इस जगह से वो आते हैं, तो अब यहाँ पे एक जाली का मैंने टुकड़ा लगा दिया है, तो उम्मीद है अब यहाँ से वो नहीं आ सकेंगे, और अगर आए तो फिर मज़ीद यहाँ पर कुछ सेटिंग करेंगे, और अपने बर्ड्स को ये वाले एग्स डालते हैं, लारा के एग्स। दिखाता हूँ आपको, ये जो है ना अंदर से खाली है। ओहो, एग्स हमारे काम के, सारे दाने के ऊपर टूट पड़े हैं, ये देखो अंदर से खाली है, इसके अंदर बच्चा नहीं बना हुआ। ये जर्दी है, सिर्फ सिर्फ सर्दी है इसके अंदर। गिरी 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 गिरी, अंदर वाले बर्ड्स को मैं दाना दे देता हूँ। आज मैंने बेला को और डकलिंग्स को बाहर नहीं निकाला, वो अंदर ही रहेंगे। चलो 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 चलो, इनका सॉफ्ट फूड आ गया, सुबह मैंने इन्हें दे दिया था, लेकिन अब फ्रेश बनाना ये भी इन्हें दे देते हैं। तो पहले वाला देखें, इन्होंने चटम कर लिया जो सुबह मैंने डाला था, सुबह क्योंकि थोड़ा थोड़ा डाला था, अब इन्हें ये ठीक ठाक डालेंगे, और ये अपने बच्चों को फिर खुराक खिलाएंगे। तो इन सबको मैं ये डाल देता हूँ। और गाइस ऊपर वाले सारे बर्ड्स को मैंने बंद कर दिया, मौसम काफ़ी जो है ना वो बारिश बर्फ वाला लग रहा है, हो सकता है आज रात को फिर बारिश आ जाए। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। गाइस आज तो लारा ने फिर हमें धोखा दे दिया, सारे अंडे उसके ख़राब हो गए हैं। तो गाइस मैंने आपको तोड़ के भी दिखाए अंडे, बिल्कुल ख़राब हैं अंदर से, बच्चे भी नहीं बने हुए, सारी सर्दियाँ सर्दियाँ थी बस, वो पता नहीं क्या वजह है क्यों ऐसे कर रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अंडे भी देगी, तो उम्मीद है वो ठीक होंगे। तो इस सीज़न तो मुश्किल ही अब अंडे दे, अगले सीज़न ही अंडे दे, मौसम चेंज हो गया, अब गर्मी आगे शुरू होनी है, तो फिर ये अंडे नहीं देंगे क्योंकि सर्दियों में ये ब्रीड करते हैं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।